हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नकवी डोसा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर, किन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ओपन हो चुके हैं और अप्लाई कैसे करना है, कब अप्लाई करना है। तो आज आप लोगों के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि किन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ओपन हो चुके हैं और अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताते चलें, जो स्टूडेंट्स हमसे कॉन्टैक्ट कर चुके हैं और हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो उनको मेरी तरफ से एक मैसेज है कि वो मुझसे कॉन्टैक्ट करें और अगेन हमारे साथ वो डिसाइड कर लें कि उनका मेरिट कितना है और किन मेडिकल कॉलेजेस में उन्हें अप्लाई करना चाहिए। डिसाइड करने के बाद वो हमें अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें और डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद जो उनकी पेमेंट बनती है वो हमें सेंड करते हैं। एक कॉलेज में अप्लाई करने के चार्जेस, जो पर एप्लीकेशन के चार्जेस हैं, वो 300 हैं। जितने आपके कॉलेज बनेंगे उस हवाले से आप लोग हमें पेमेंट सेंड करते हैं ताकि हम आप लोगों को अप्लाई करके दें। सबसे पहले अगर हम बात करें अक्षर सिंह मेडिकल कॉलेज की, ये आपके सामने अक्षर सिंह मेडिकल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है। और अगर इसमें हम एडमिशन की बात करें तो ये 2023 एंड 2024 के एडमिशन्स हैं। और इसमें आप लोग देख रहे हैं MBBS के जो एडमिशन की एक्सपेक्टेड डेट है वो क्या है। इस पर हमने क्लिक कर दिया और नेट थोड़ा सा स्लो है। एडमिशन प्रोसेस विल बी ओपन फ्राम 15 सितंबर। आज 14 सितंबर है और कल से, मतलब 15 सितंबर से MBBS के एडमिशन और BDS के एडमिशन अक्षर सिंह मेडिकल कॉलेज में ओपन हो जाएंगे। और इसके बाद हमारे सामने है भी कॉलेज, ये कॉलेज है भाई आपके सामने एविसिना मेडिकल कॉलेज। इसमें भी एडमिशन ओपन है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये इधर लिखा हुआ है कि एडमिशन आर ओपन फ्राम 1 जुलाई और इस वेबसाइट पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एडमिशन क्लोज 15 दिसंबर, 15 दिसंबर को एडमिशन क्लोज हो जाएंगे और MBBS के लिए, जबकि BDS के लिए 15 जनवरी को एडमिशन क्लोज होंगे। अगर हम मेरिट लिस्ट की बात करें तो मेरिट लिस्ट ये 1 जनवरी को अपलोड करेंगे MBBS की, और BDS की 1 फेब को अपलोड करेंगे। दोस्तों, इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होती रहती हैं। इन तमाम कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुके हैं। अगर आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, आप लोगों को बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो स्टूडेंट्स पिछले साल हमारे ग्रुप में थे उनके पेरेंट्स भी थे, लॉयर, जजेस, सारे हमारे ग्रुप्स में थे, उन्होंने अगेन हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया क्योंकि उनके बच्चों के एडमिशन नहीं हुए फॉर एग्जाम्पल, तो वो अगेन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो चुके। इसका ये मतलब है, मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो गई है कि भाई मेरी जो इन्फॉर्मेशन है माशाल्लाह वो ऑथेंटिक भी है और लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। इसके बाद ये आपके सामने है सेकंड कॉलेज, सहारा मेडिकल कॉलेज, ठीक है। इसमें भी एडमिशन ओपन है, ये देखें, नाउ ओपन फॉर रजिस्ट्रेशन 2023 एंड 2024। देखें यार, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, बुरा लगता है, आप लोग एक सपोर्ट नहीं करते। जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं काइंडली लाइक करें और लाजमी सब्सक्राइब करें। यार देखें, ये देखना पड़ता है हर कॉलेज की वेबसाइट, बड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, फिर जाके इस तरह की वीडियोज़ बनती हैं। 2 बजे मैं कॉलेज से आया हूँ और 3:10 हो चुके हैं, पूरा 1 घंटा मुझे हो चुका है मैं सर्च कर रहा हूँ कि कहाँ का एडमिशन ओपन है। और बाकी जिन कॉलेजेस में एडमिशन ओपन होंगे अभी भी आपके सामने और भी कॉलेज हैं, आप लोग देख रहे हैं ये नीचे, ये देखें, इन सब का मैंने आपको बताना है। तो बाकी जो कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशन ओपन नहीं हुए, अब उसके लिए हम अलग से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, करते तो बड़ी बात है, मगर हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में टाइमली स्टूडेंट्स को गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं, उनकी फीस स्ट्रक्चर भी हम शेयर करते रहते हैं। तो जो लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो इंस्टा पे जाएंगे, इंस्टा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इंस्टा पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारे थ्रू अप्लाई करवाएंगे वो भी हमसे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने है ये कॉलेज है FMS कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री। इसमें भी एडमिशन ओपन है। अगर हम एप्लीकेशन चार्जेस की बात करें, चलान फ़ी की बात करें, तो चंद एक कॉलेज ऐसे भी हैं जिनके अंदर अप्लाई करने के चार्जेस कितने हैं, 1000 हैं। पिछले साल भी 1000 थे, मगर इस साल PMDC ने 2000 किए हैं कि आप 2000 रख सकते हैं। तो बाकी जो कॉलेजेस हैं उनके 2000 भी हैं, मगर चंद कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनके 1000 चार्जेस भी हैं, वो भी हम आप लोगों को दिखाते हैं। मगर FMS कॉलेज के जो चार्जेस हैं वो आप लोग देख रहे हैं, 2000 पर प्रोग्राम इज मैंडेटरी एंड इज़ नॉट रिफंडेबल। ये रिफंडेबल नहीं होते, 2000 इसके चलान फॉर्म के चार्जेस हैं। अगर आप लोग हमारे थ्रू अप्लाई करवाएंगे फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज में, तो 2000 अगर आप कॉलेज को दे रहे हैं तो 300 आप लोग हमें देंगे, सर्विस चार्जेस हमारे हैं, तो टोटल 2300 में आपका एक कॉलेज फिनिश हो जाएगा। और इसके बाद ये आपके सामने है अली अलीम मेडिकल कॉलेज, इसमें भी एडमिशन ओपन है 2023 एंड 2024। अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसीजर
थोड़ा मुश्किल होता है चालान फॉर्म, अगर आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों के पास टाइम है, जो भी है, आप लोगों को पता है कि डेट कब एडमिशन कब ओपन हो रहे हैं, क्लोज कब होंगे, तो आप लोग खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और हमारे थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हैं। और ये देखें यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके मैं सब कुछ कर रहा हूँ, समझ आ रही है। और मगर आप लोग ना, अफसोस होता है कि मुझे सपोर्ट नहीं करते, लाजमी मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब करें, मुझे ना इसी सेशन में, इसी दिनों में 20K सब्सक्राइबर चाहिए, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद सुपीरियर यूनिवर्सिटी में या अजहर नईत मेडिकल कॉलेज जिसे कहते हैं, इसमें भी एडमिशन ओपन है, आप लोग देख रहे हैं। ये इनका कुछ प्रोसीजर है कि क्या क्या आप लोगों को चीज़ें लेके आनी चाहिए, आप लोगों ने अप्लाई करना है, और बाकी इसमें इंटरव्यू भी है, ये वो, ये हम चीज़ें बाद में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। और ये आपके सामने है भाई, कौन सा कॉलेज है, राशि लतीफ़ मेडिकल कॉलेज लाहौर, जो कि ओल्ड कैंपस है, इसमें भी एडमिशन ओपन है, मगर इनका जो पोर्टल है वो अभी वर्किंग में नहीं है, मगर इनके यहाँ एडमिशन ओपन है। देन आपके सामने नेक्स्ट कॉलेज है ये RLKU, राशि लतीफ़ मेडिकल कॉलेज न्यू कैंपस जो कि बनना है, जिसमें फर्स्ट ईयर पिछले साल स्टार्ट हुई है, और इसकी फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, 25 लाख से इसकी फ़ी स्टार्ट हो रही है। तो आप इसकी फ़ी स्ट्रक्चर भी, हम तमाम कॉलेजेस की फ़ी स्ट्रक्चर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुके हैं, अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ये इनका नंबर है। इनका भी एडमिशन, इनके यहाँ भी एडमिशन ओपन हो चुके हैं, मगर इनका जो लिंक है वो भी अभी वर्किंग में नहीं है। देन राहबर मेडिकल कॉलेज, इसमें एडमिशन ओपन है, ये हम आपको ओपन करके दिखाते हैं, अगर इनका ओपन हो जाता है। जी, मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया जी, तो अभी ये आपके सामने ओपन होके आ जाता है। ये इनका एडमिशन क्राइटेरिया है, और इनके चार्जेस 2000 हैं, आप लोग बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, जैज कैश भी कर सकते हैं, और ये किसी भी तरीके से आप इन्हें पे कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया आपके सामने है 50, 40 और 10 वाला, नीचे भी कुछ इन्फॉर्मेशन है खैर। और इसके बाद ये हमारे सामने है भाई, ये तो हो गया। देन हमारे सामने है आमना नैद मेडिकल कॉलेज, इस मेडिकल कॉलेज में जो फ़ी है वो कम है, वो ओनली 1000 है, 8000 में आप लोग भाई इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, 1000 इसके चार्जेस हैं। और इसी तरह इसका जो फेडरल डेंटल कॉलेज है उसमें भी एडमिशन ओपन है। देन आपके सामने है ये कॉलेज शरीफ मेडिकल कॉलेज, इसमें भी एडमिशन ओपन है, इसमें 100 सीट्स MBBS की हैं और 50 सीट्स इसमें BDS की हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में भी डिस्कस कर लेंगे, और बस अभी ये है कि आप लोग इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक इनका पोर्टल भी वर्किंग में नहीं है। लास्ट में मैं आप लोगों को एक एडवाइस भी करूँगा, तो आपने लास्ट तक वीडियो को देखना है। और ये आपके सामने अव्वा मेडिकल कॉलेज है, इसमें भी एडमिशन ओपन है, और आप लोग देख रहे हैं 2023-27 के एडमिशन है। इज़ प्लीज टू अनाउंस द एडमिशन इन एन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर सेशन 2024 और 2028। तो ये भी इसमें एडमिशन ओपन है। भाई देखें, ये आपके सामने मेडिकल कॉलेजेस थे जिनमें एडमिशन ओपन है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और चंद एक के जो लिंक्स हैं वो वर्किंग में नहीं हैं। तो जो स्टूडेंट्स हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर चुके हैं, उनके नाम हमने रजिस्टर पर लिख लिए थे, तो वो उनके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वो मुझे मैसेज करें, अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें, और अगेन हमसे जो मेरिट वगैरह है वो डिसाइड कर लें कि किन कॉलेजेस में उनका मेरिट बनता है, हम अप्लाई कर देंगे और हमें पेमेंट भी सेंड करते हैं। और दोस्तों देखें, अगर हम अप्लाई की बात करें तो आप लोग अभी अप्लाई ना करें, ठीक है, ऑफिशियल MD कैट के रिज़ल्ट के बाद, क्योंकि फिर एडिट करना होता है, और ये काम मैं तो कर सकता हूँ मगर आप लोगों के लिए मुश्किल है। तो इसीलिए आप लोग अभी वेट करें, ऑफिशियल MD कैट के रिज़ल्ट के बाद सही तरीके से इनके लिंक्स भी वर्किंग में आ जाएंगे, ऑफिशियल MD कैट के रिज़ल्ट के बाद आप लोग अप्लाई करें। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं कि एडमिशन कब ओपन होंगे, क्लोज़ कब होंगे, कैसे कैसे अप्लाई करना है, चालान फॉर्म कैसे निकलेंगे, फिर अपलोड कैसे करेंगे, और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके नाम प्रोविजनल लिस्ट में नहीं आते, अगर वो गलत तरीके से अप्लाई करते तो उनका नाम लिस्ट में नहीं आता, अगर मेरिट चाहे 70 पे आ जाए, उनका मेरिट 75 हो, तो उनका एडमिशन नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से अप्लाई किया है। अगर आप FMH कॉलेज की वेबसाइट पर जाते हैं, उन्होंने बाकायदा उन स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं लिस्ट में कि ये स्टूडेंट्स इनएलिजिबल हैं, इन्होंने सही तरीके से अप्लाई नहीं किया, तो सही तरीके से आप लोगों ने भी अप्लाई करना होता है। तो इसीलिए आप लोगों ने ऑफिशियल MD कैट के रिज़ल्ट के बाद अप्लाई करना है। दोस्तों देखें, अगेन एंड अगेन मैं कहता हूँ, क्योंकि अफसोस होता है, मैं अभी आया हूँ, कसम से मेरे खाना नहीं खाया, अभी जाके मैंने मेस करना है, मैं 1:30 या 2 बजे आया हूँ रूम में, और तब से वीडियो बनाने के चक्कर में हूँ, और अभी मैंने खाना खाने भी जाना है,
और आप लोग एक्सप्लोर नहीं करते। काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो जो भी देख रहा है बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें। और माशाल्लाह ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों को नहीं मिलेगा जो आप लोगों तक ऑथेंटिक और हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की इन्फॉर्मेशन शेयर करें। अगर आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके भी 300 चार्जेस हैं। अगर आप लोग हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं तो एक मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करने के चार्जेस भी 300 हैं। तो इंस्टा पे जाएं, क्या कर रहे हैं, hasanrizanakvi.512 पे हमारा इंस्टा, या काइंडली ना इंस्टा पे मुझे फॉलो भी किया करें। आप लोग ऐसे मैसेज करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ग्रुप तो ज्वाइन नहीं करते मगर उधर मैसेज करते हैं, तो उनके लिए पैगाम ये है कि फ़िलहाल तो मैं सबको रिस्पॉन्स कर रहा हूँ मगर कुछ डेज के बाद जब आप लोग लिस्टें लगनी हैं, मैंने लिस्टें भी लगानी हैं, मेरे ग्रुप भी बहुत एक्टिव हो जाना है, तब इतने स्टूडेंट्स मुझे DM करेंगे और इंस्टा पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मैसेज करेंगे, सर मैं परेशान हूँ, फिलहाल कॉलेज में नाम नहीं आ रहा, कहाँ अप्लाई करूँ, क्या करना चाहिए, लिस्ट क्यों नहीं लग रही। तो तब भाई 200 मुझे मैसेज आते हैं, तब मैं इंस्टा वालों को जवाब नहीं दे पाऊँगा। तो काइंडली अभी मैं जवाब दे रहा हूँ, जो भी इंस्टा पे जाता है वो मुझे फॉलो भी करे और फिर वो अपना कोई क्वेश्चन वगैरह मुझसे पूछ सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।